हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कोको ट्रेडिंग। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम लोग यहां पर कंपाउंडिंग करेंगे। $200 के डाउन में ट्रेडिंग हमने कर दिया है और इस वीडियो में $1000 तक का करने का कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूं, मुझे यहां पर अपना प्रॉफिट दिखाने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए है। आपको बहुत सारी मेरी वीडियोस मिलेगी जहां पे मैं खुद भी लॉसेस करती हूं और आपको वो समझाती हूं कि अरे ये गलती, ये मिस हो गया तो यहां देखो लॉस हो गया। तो कहने का मतलब है, इस वीडियो में सिर्फ ये हमारा कंपाउंडिंग आपके मोटिवेशन के लिए है, लेकिन आपको कंपाउंडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे ना, इस प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे ना, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएटर हो, एडवांसर हो, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखना। और बार बार कहती हूँ कि आपको लाइक दूसरे का प्रॉफिट देख के अपना मनी मैनेजमेंट को तोड़ना इज नॉट गुड, कि हम कुछ भी अमाउंट कर दे ट्रेड। प्लीज अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना। और हमारा फर्स्ट ट्रेड लग गया, हमारा ये ट्रेड विन रहा और आपको कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगा अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो। बाकी और भी सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो या स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोको ट्रेडिंग। और यहाँ से भी कुछ हमको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हो गया। बाय द वे गाइज, ये ट्रेडिंग सिग्नल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे, तो मेक श्योर कि आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स आपको मिलता है, कंपाउंडिंग सीरीज, प्रोमो कोड्स, गिव अवेज, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो वहां पे, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर हम लोग कम अमाउंट के साथ जाएंगे, हालांकि कंपाउंडिंग वीडियो है, लेकिन फिर भी आपको जब थोड़ा रिस्की लग रहा है तो फिर कम अमाउंट के साथ ट्रेड करना इट्स नॉट बैड आइडिया, ठीक है। तो अब तक उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक किया होगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं किया होगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर देना प्लीज। सो इसके बाद फिर हम अगेन ट्रेड प्लेस करेंगे एंड आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट। और जब भी हम लोग मार्केट रीड करते हैं तो आपको पता होगा, 1 मिनट का मार्केट देख से 1 से 2 मिनट का ट्रेड प्लेस करते हैं, अगर आपको 2 मिनट का करना है, 5 मिनट का करना है, बिकॉज 1 मिनट का ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्की होता है, नो डाउट। तो प्लीज आप उसके लिए कमेंट कर देना ताकि मैं 2 मिनट चाची का भी वीडियो लाऊं। ऑलराइट, सो अभी हम लोगों को जब तक कोई बहुत बड़ा सा रेड कैंडल नहीं मिलेगा, हम लोग डाउन की ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बाय द वे गाइस, अगर आप देखो 15 सेकंड के मार्केट में भी जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ही है। अभी यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो बार बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच कर रहा है, तो अब की बार ये यहाँ पे टच कर सकता है, राइट, यहाँ तक आ सकता है। तो इसलिए हम लोग अभी डाउन की ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट कहाँ तक जा सकता है। जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है या सपोर्ट को तोड़ता है तो वो अगले सपोर्ट तक जाने की कोशिश करता है, राइट। सिमिलरली जब मार्केट नहीं तोड़ा है, अगर वो ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है तो वो ट्राई करेगा कि मैं पिछले बार भाव यहाँ तक गया तो मैं इसको टच करूँ, तो वो थोड़ा ऊपर जा सकता है। हालांकि आपको जैसे 3 बार हो चुका है ना, देखो 1 2 3, तो अब आपको ना ब्रेकडाउन दिखने के ज्यादा चांसेस हैं। पर लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद अगर आप ट्रेड प्लेस करोगे तो बहुत अच्छा है। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, मतलब 3 बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद काफी सॉलिड चांसेस होते हैं, होंगे ही एकदम सॉलिड कंफर्मेशन नहीं, अरे यार मिस हो गया। यही सोचो अगर हम लोग यहाँ करते तो कितना अच्छा मार्जिन रहता, बिकॉज अब क्या दिक्कत है ना कि सपोर्ट बहुत पास आ गया है। सो सपोर्ट का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक अच्छे अमाउंट के साथ अगेन ट्रेडिंग करेंगे। और मुझे अमाउंट अभी लॉस नहीं करना है, तो मैं भी 100 100 अपने बैकअप में रखूंगी, 200 का करूंगी ट्रेडिंग, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है तो मार्केट हमको ऐसा दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ना लेवल पे मार्केट छोटा तो छोटा एक जैसा भी वो होगा ही होगा। तो इसलिए देखो यहाँ पर $50 का ट्रेड था, अगर मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग कर लेती तो ये तो रिस्की हो जाता ना, रिस्की क्या होता, जीरो हो जाता। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ट्रेड रिस्की होने वाला है, और वो कब पता चलेगा आपको देखना है कि जब आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो बगल में कोई SNR लेवल तो नहीं है। देखो यहाँ पे 1 है 2 है तो मार्केट का हाई चांसेस है कि यहाँ पे ऐसा हमको दिखाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेड कैंडल बना था, नीचे तक गया था, लेकिन देख रहे हो लास्ट में कैसे ये ऊपर चला गया। तो ये चीजें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर आपको दिखेगा। अब हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चीज नहीं दिखता है, आपको उसके लिए डिफ्रेंशिएट करना आना पड़ेगा कि कौन सा सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है या कौन सा रेजिस्टेंस सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है या फिर वीक है। हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको
मतलब हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर आप रुकने लग जाओगे तो फिर आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बार तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता। देखा जाए तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर भी देखो हो चुका है, रेजिस्टेंस यहाँ पे भी हो चुका है। तो कहने का मतलब ये तो हर जगह है, लेकिन इसको ही जब हम लोग बहुत अच्छे से आप एनालिसिस करोगे रिएक्शन के साथ, देखोगे कैंडल रिएक्शन, इसका वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, प्लीज देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि यस ये यही जो बार बार जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता है, यही एक्चुअली बार बार हमको प्रॉफिट कराने में भी हेल्प करता है। सो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, ब्रेकआउट का, फॉल्स ब्रेकआउट का भी एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी, प्लीज वो वीडियो आप देख लेना। और अब हम लोग देखो मार्केट ट्राई कर रहा है इस लेवल तक आने का, इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करने का, और अभी अगर आप एक ट्रेंड लाइन टच करो तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यस मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, तीसरी बार हो चुका है, सो अभी या तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो सकता है नो डाउट, ठीक है, क्योंकि तीसरी बार के बाद आपको कुछ भी मिल सकता है, तो वेट ही करेंगे। वेट करने के अलावा आपको 80% तो वेट ही करना होगा, 20% ही हम ट्रेडिंग करेंगे। सो होप सो कि ये ट्रेड हमारा अभी डाउन डायरेक्शन में ही हो, हम ट्रेंड के साथ ही चलने वाले हैं, ठीक है। सो देखते हैं ये कैंडल के खत्म होने का वेट करते हैं। ओके, ठीक है, तो कर ट्रेडिंग कर दिया है मैंने, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता। और आपको अभी भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे मैसेज करना, बाकी आप प्लीज मेरी मैनेजमेंट को फॉलो करना। और यहाँ पर आपको पता चल रहा है एक ट्रेंड लाइन टच हो रहा, जो मेन चीज है मैं आपको बता रही हूँ, देखो ये कॉन्सेप्ट को फॉलो किया मैंने और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट को आप भी फॉलो करोगे एंड हो सकता है कि आपको वो प्रॉफिट ना हो, लॉस हो जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के बेसिस पे या इस कैंडल के बेसिस पे या सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर रही हूँ। आप इस चीज को समझो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि जो सेम चीज मैं फॉलो कर रही हूँ ना, वो भी आप करोगे लेकिन आपको वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सेम नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर मार्केट का बैक टेस्टिंग कर रही हूँ, वो आपका मार्केट में वही चीज बैक टेस्टिंग में हो रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, पर आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि शैडो में क्या। हम अब हर टाइम तो यही शैडो तो आपकी स्क्रीन पे भी तो नहीं आएगा ना, वो तो थोड़ा चेंज होगा ही, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस कैंडल को देख के मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, नहीं। प्लीज आप समझो इस चीज को, जो चीज को मैं फॉलो कर रही हूँ सेम आप वो फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं है, आपको उसको बैक टेस्टिंग करना होगा कि वो सारा चीज उसके साथ इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। ये मतलब आप आई थिंक आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि मार्केट सपोर्ट पर अप जाता है, रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है, तो आप हर सपोर्ट पर बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100% सच है कि हाँ सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, पर क्या हम ट्रेड करने लग जाएंगे हर सपोर्ट पे? नहीं यार, पीछे पहले मार्केट को देखना पड़ता है कि हाँ वो चीज वहां पे हो रहा है कि नहीं, कहीं वहां पे सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दो दो बार बन चुका है, तीसरी बार हमको डोजी भी मिल गया या कोई हैमर मिल गया, फिर बुलिश इंगल्फिंग मिल गया, कुछ पैटर्न मिल गया, मार्केट की मोमेंटम, अब सब कुछ है, ठीक है, आपको सारा आपका सारा स्ट्रेटेजी इंडिकेटर आपको सब कुछ बोल रहा है ट्रेड प्लेस करो। कैंडल में अगर आप मोमेंटम ही नहीं बचेगी या तो फिर आप क्या ट्रेड प्लेस करोगे, तो सारा चीज को आपको मिला के चलना पड़ेगा, और वो चीज मैं आपको खुद ही नहीं बता पाऊंगी कि आपका स्क्रीन पे अभी क्या चल रहा है, क्योंकि आप लाइव मार्केट पर ट्रेड प्लेस कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे सेंड कर सकते हो कि अरे यहाँ पर मैंने ये सेम कॉन्सेप्ट यूज किया था, मुझे लॉस क्यों किया, तो फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि हाँ सेम कॉन्सेप्ट था बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, देखो बैक मार्केट को देखो ये हो गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों का ये आता है आपका प्रॉफिट होता है मेरा नहीं होता, सबका प्रॉफिट होगा आप जितना प्रैक्टिस करोगे, प्लीज डेमो अकाउंट प्रैक्टिस के लिए होता है, बहुत प्रैक्टिस करो, और लाइव मार्केट में भी आप जाओ, एक दो डॉलर के साथ जाओ, 3, 4, 10, 12, 13 जितने आप डॉलर से मन है आपका मनी मैनेजमेंट अलाउ करता है आप उतने के साथ जाओ, बट फिर भी आपको डर लगता है तो आप मेरा फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स ले सकते हो, उसकी एक्यूरेसी आप ग्रुप में जाके देख सकते हो, काफी लोग काफी अच्छा प्रॉफिट डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग लास्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, और ये हम लोगों का अगर विन रहा तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन रहेगा हमें, तो ऑलरेडी मार्केट डाउन जा चुका है। 1 मिनट आप देखो, अब एक न्यू ट्विस्ट क्या आएगा कि अब हम लोग डाउन की ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मुझे मन कर रहा था अभी भी डाउन की ट्रेडिंग करने का, लेकिन मुझे फिर याद आया, अरे आप देख रहे हो
हम लोग ने इसी करेंसी पे बार बार डाउन की ट्रेडिंग किया है, मार्केट स्टिल डाउन ही जा रहा है, लेकिन बार बार कैंडल में आपको लोअर शेडो में बार बार बायर्स दिख रहे हैं। तो भैया जब मार्केट डाउन जा ही रहा है तो शांति से ऐसे 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 करके डाउन क्यों नहीं जा रहा है? वो बार बार ऐसे रिजेक्शन क्यों दिखा रहा है? बार बार उसके कैंडल में लोअर शेडो बार बार बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है? ये दिखा रहा है ना कि कैंडल नीचे तक गई थी फिर ऊपर चली गई। तो बार बार ये जो लोअर शेडो है वो बायर्स के प्रेशर को क्यों दिखा रहा है, बायर्स के ताकत को क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स से मार्केट हालांकि चाहता है डाउन जाना, बट ऐसे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पर भी सपोर्ट मिल रहा है, राइट? सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम किया और अभी कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा अप डायरेक्शन के लिए तो फॉर श्योर फिर मैं अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग करूंगी, ठीक है? पूरा डाउन चला जाएगा तो हमारे लिए करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन क्यों होगा? क्योंकि मैंने ऐसा लेवल देखा है। अब आप बोलोगे कौन सा, तो प्लीज उसके लिए ठीक है मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा, देख रहे हो यहाँ पर हमारा लेवल दिख रहा है मजबूत सा, तो यहाँ पे मार्केट डाउन जाएगा, उसके बाद कुछ अप की कंफर्मेशन मिलेगी तो फॉर श्योर हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे, बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी कई दफा यहाँ पर ये फॉलो हो चुका है। इसको मत गिनो, बहुत पास पास है, ऐसे ही गिनते हैं। तो अब क्या होगा, चौथी बार ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? बट व्हाट वी नीड फर्स्ट, कुछ कंफर्मेशन, रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट भी दो तरीके तीन तरीके से होते हैं, एक तो मार्केट अप जा रहा है तो नीचे जाके फिर अप जाएगा, फर्स्ट रिट्रेसमेंट जो कि बहुत क्लियर होता है। सेकंड क्या होता है, हमारा कोई करेक्शन कैंडल बन जाएगा, जैसे कि ग्रीन है फिर एक रेड बन गया फिर ग्रीन बन गया। तीसरा क्या होता है कि मार्केट, अरे यार चलो ठीक है कर दिया, तो लगा दिया है मैंने, स्क्रीन स्टक कर रहा, लेकिन वो होगा देख रहे हो डायरेक्ट 48 से हुआ, बिकॉज वो पहले ही से हो रहा था, जब से लगाए थे तब से ही हो रहा था। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि बहुत तरीके के करेक्शन होते हैं मार्केट में, बहुत तरीके के रिट्रेसमेंट होते हैं। आप कह सकते हो कि इस ग्रीन कैंडल के बाद मैंने रेड कैंडल का वेट नहीं किया और उसके बाद फिर एक और स्ट्रांग ग्रीन कैंडल का, अरे इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि ग्रीन कैंडल के बाद आप कहते थे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता, फिर ग्रीन कैंडल इसको इनगल्फ करता, तब आप फिर ट्रेड प्लेस करते हो। यस डेफिनेटली ये एक प्रकार का करेक्शन हुआ, बट ये खुद में अपने आप को एक करेक्शन शो कर रहा है। और वो जो तीन दिन जो प्रक्रिया है ना, ये ऐसे बनता फिर ऐसे बनता फिर ट्रेड प्लेस करते, ये तीनों ये एक ही कैंडल हमको शो कर दिया है। यही जो चीज होती है वो एडवांस ट्रेडर रीड करते हैं और आपको ये कोई नहीं बताएगा। अब इसमें वो क्या है, मैं बहुत बार बताई हूँ अपने वीडियोस में, बट मैं फिर से आपको बता देती हूँ, लेकिन यार मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आता उतना, क्योंकि आपसे कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं होता, आप ना ही कॉमेंट करते हो, एक दो अपना ही कमेंट करते, ना ही कुछ भी नहीं यार। तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो यही बोलूंगी कि यार मैंने इसका वीडियो बनाया है कैंडल वाले में, देख लेना, मुझे भी नहीं मन करेगा ना बताने का। ठीक है मैं आपको शॉर्ट में बता देती कि हाँ देखो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे चला गया, बट इसकी जो ओवरऑल आप वीडियो में देख लेना, क्योंकि आप मुझे ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा तो फिर मैं ये कंटिन्यू करूंगी वीडियो बनाना।